हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 11th का केस स्टडी करेंगे, बेस जोन कॉनिक सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फार्मर विशेस टू इंस्टॉल टू हैंड पंप इन हिज फील्ड फॉर वाटरिंग। द फार्मर मूव्स इन द फील्ड वाइल वाटरिंग इन सच ए वे दैट सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फार्मर एंड ईच हैंड पंप इज 26 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलिप्स की डेफिनेशन होती है कि अगर दो फिक्स पॉइंट से ऐसे पॉइंट की डिस्टेंस जिनसे दोनों का डिस्टेंस का सम मतलब PA प्लस PB, दो फिक्स पॉइंट से अगर पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है तो वो जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो उसका पाथ है वो इलिप्टिकल है क्योंकि डिस्टेंस 26 मीटर है। इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन द हैंड पंप, जो हैंड पंप है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस 10 मीटर है, ये भी गिवन है। तो क्लियरली जो पाथ है वो इलिप्टिकल है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इलिप्टिकल। दूसरी बात, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है पी एफ प्लस पी एफ डैश वो कितना गिवन है, 26, और एफ और एफ डैश के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। वेयर ये जो एफ है और एफ डैश आर फोकी, ये फोकस है। तो इलिप्स के फोकस का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलिप्स का फोकस होता है AE कोमा 0 माइनस AE कोमा 0। हमने कंसीडर कर लिया कि जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेम द कर्व बाय फार्मर एंड हेंस फाइंड द फोकी ऑफ द कर्व। दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच की वो होगी ट्वाइस ऑफ AE, तो यानी AE की वैल्यू 5 हो गई। तो फोकस कितना हो गया, प्लस माइनस 5.0, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस AE.0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व ट्रेस बाय द फार्मर। ठीक है, एक बात और समझनी है यहाँ पे कि इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस का सम होता है जो कांस्टेंट है वो 2A के इक्वल होता है, तो A की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, और ई कितना हो गया, ए कितना है 5। तो अब हमें बताइए ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए की जगह अगर हम यहाँ पे 13 पुट कर देंगे और ए की जगह 5, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ए बी और ई कितना हो गया 5/13, सब कुछ है हमारे पास। तो नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, थर्ड पार्ट। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A, 2 × 13 26, एंड माइनर एक्सिस 2 × B 24, एक्सेंट्रिसिटी वो ऊपर ही बता चुके हम 5/13, और लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होता है 2B² / A, तो 2 × 12² / 13, तो 288/13। तो ये हमारा आंसर हो गया। सारे पार्ट से हमने आंसर दे दिए हैं। केस स्टडी था बेस्ड ऑन इलिप्स या कॉनिक सेक्शन। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है जो कांस्टेंट होता है, और वो जो सम है वो किसके इक्वल होता है 2A के। एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए, एक दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ AE के इक्वल होती
ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।